हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीडी नॉलेज में। दोस्तों आइए, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कॉलम में दिया गया है। दोस्तों कॉलम में दिया गया है, फर्स्ट कॉलम में दिया है ए, दूसरे कॉलम में सी और तीसरे में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से एम दिया है, ओ दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया ये बताते हैं। ए के बाद बी आता है, तो बी को मैंने गैप करके सी लिखा है। इसी प्रकार सी के बाद डी आएगा, तो डी को गैप करके ई होगा इसका आंसर। और दूसरे कॉलम में देखते हैं तो एम के बाद एन आता है, एन को गैप करके ओ लिखा गया है। और ओ के बाद पी आता है, तो पी को गैप करके क्यू लिखा गया है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ई और क्यू। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।